फ्रेंड्स, फ्लेवर बाय राशि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बरूले, जिसके लिए हमने थोड़े से आलू ले लिए हैं। उनको छिलके सहित हमने उबाल लिया है और इन आलू को उबालने के बाद हम इनको हल्का हल्का दबाएंगे। इस तरीके से इन सभी आलुओं को कर लेंगे। अब इधर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो जो हमने आलू उबाल के और दबाकर रखे थे उन सबको हम तेज फ्लेम पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑथेंटिक बरूले जो मैंने बना रखे हैं पहले, वो आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं वीडियो में। और लेकिन उससे भी टेस्टी और क्रिस्पी रखते हैं ये बरूले, और भी टेस्टी बनते हैं और जल्दी भी बनते हैं। इन सभी को हम तेज फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी आलू हुए हैं, क्रिस्पी हुए हैं हमारे आलू। अब हम इन्हें निकाल लिया है हमने। थोड़ा ऑयल हमने इसमें रख लिया है, बाकी हमने निकाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ प्याज, और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी तो ग्रीन चिली सॉस, थोड़ी रेड चिली सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ी सोया सॉस, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि सॉस में नमक है। थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। अब जो हमने आलू भुने हैं, तले हैं, उनको भी इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बिल्कुल वही वरूले वाली वो आती है इसको बनाने में। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसे बने आपके आलू। ये बरूला चाट का ही रूप है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके ग्रीन ऑनियन, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर। फ्रेंड्स, मेरी ऑथेंटिक बरूले की वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये मैंने फटाफट बनने वाले अलग स्टाइल बरूले बनाए हैं, जिन्हें एक बार आप जरूर बनाइए और बताइए कैसे बने। और ये शाम के टाइम छोटी मोटी भूख में बनाकर खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरे चैनल फ्लेवर बाई राशि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। राधे राधे जी, धन्यवाद।